हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हूँ। तो मैं चुका है वीडियो लेके और गाइस को मिलिट्री बेस में गाइस। तब भाई गेम प्ले भाई 28 किलो जाते हैं यहाँ पे हमारे, तो मजा देखो तुम्हें आने वाला है। तो गाइस जल्दी से पहले उतर जाते हैं, थोड़ी लूट वगैरह लेते हैं और फिर चलते हैं बंदों की तरफ। हेलो इंडिया का लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस दिवाली पे भूल जाओ खर्चों का टेंशन और दो अपने दोस्तों और परिवार को हेलो दिवाली का शगुन। पार्टिसिपेट करने के लिए डाउनलोड हेलो ऐप एंड प्ले हेलो दिवाली लकी ड्रॉ और इन्वाइट करो अपने दोस्तों को हेलो ऐप पे और मौका पाओ यार 1 करोड़ तक के प्राइजेस जीतने का, जैसे कि ओनर 8X, रेडमी 8 एंड और भी बहुत सारे। लकी ड्रॉ के विनर को मिलेगी एक चमचमाती बाइक। जीती अमेजिंग प्राइजेस पेटीएम पे डेली 28 अक्टूबर तक। मैं तो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ गाइस, तुम भी जाके पार्टिसिपेट कर लो हेलो दिवाली धमाका में। तो देर किस बात की, जाइए और डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप को और जीते ढेर सारे प्राइजेस। तो बीच वाली बिल्डिंग में भाई फुटस्टेप्स आए तकड़े वाले, तो पहले तो हम यहाँ पे जाकर रश कर देते हैं सीधा। और ये बंदा दिख जाता है मेरे, जो कि भैया पुलिस के कपड़ों में भाग रहा है, तो पहले इसे निपटाते हैं। तो गाइस नीचे कमेंट करके ये बताओ कि भाई पबजी वालों ने जो कपड़े दिए हैं दो, एक तो ये दिया है, एक ब्राउन ड्रेस वाला दिया है वॉकिंग डेड वाला, तो उनकी शक्ल इतनी गंदी क्यों है? मतलब इतनी अजीब सी शक्ल क्यों दी है? कुछ अच्छी सी शक्ल दे सकते थे। तो नीचे कमेंट में बताओ भाई किस चीज़ को बुरी लगती है उनकी शक्ल। तो इस बंदे को भी निपटाते हैं जल्दी से, इस पर से मेरे को 1M मिल जाएगी। और इतने में क्या होता है भाई, अंदर से एक बंदा रश कर देता है हम पे, जिसे शानदार निपटा देगा। तो फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे एक बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे, लेकिन पता चलता भैया वो तो बोर्ड दादा है, तो भाई निपटाते हैं इन्हें भी। तो भाई पीछे लैब की तरफ चल रही थी फायरिंग तगड़े वाली, कोई बंदा म्यूटेंट चला रहा है बहुत देर से, तो चलते हैं उसकी तरफ। तो ये बंदा यार बहुत देर से म्यूटेंट से बंदे मारे जा रहा था, तो जल्दी से इसे मारते हैं हम। और फिर नोवो की तरफ फ्लेयर गन चल चुकी थी, तो फिर चलते हैं नोवो की तरफ। तो वैसे आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछे थे भाई क्रेट ओपनिंग करा करो, हमें दिखाया करो। तो यार मैं अब नहीं करता क्रेट ओपनिंग वगैरह, पहले मुझे शौक था बहुत ज़्यादा कि भाई स्किन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन अब मेरे को थोड़ा वेस्टेज लगती है वो, तो मैं नहीं करता। ये थोड़ी बहुत जो है मेरे कूपन से निकल जाते हैं एक दो सामान, और बस मम्मी साइड वाली क्रेट ओपनिंग करी थी मैंने लास्ट टाइम, क्योंकि मुझे हेलमेट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मेरे को चाहिए था, नहीं तो वैसे मैं नहीं करता, बहुत मुश्किल ही करता हूँ। और मम्मी वाली यार मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, मतलब मैं भूल गया करनी, मुझे लग नहीं रहा था, उम्मीद नहीं थी हेलमेट मेरे को मिल जाएगा, लेकिन फिर मिल गया यार, तो मैं रिकॉर्ड करनी भूल गया। वैसे अगर आगे मैं कोई क्रेट ओपनिंग करता हूँ तो यार जरूर से रिकॉर्ड करूँगा, सॉरी गाइस यार उसके लिए। तो हाँ भाई पीछे तबाही चल रही थी, दो स्क्वाड लड़ रही थी, तो भाई हम भी चलते हैं भाई फ्री के किल लेने। तो एक बंदा क्या कर रहा था भाई, उस फट्टे पे बैठ गया सामने वाले पे और मजे में मेरे को देख रहा है कि कब मैं जाकू वो मेरे को मारे। तो इस बंदे की यार रिलोड मार गई, नहीं तो ये शायद मेरे को थोड़ा अटैक दे पाता, लेकिन इस बंदे की रिलोड चली गई। तो गाइस यही कहता हूँ भाई, ये बंदा पूरी तेज भाग का है पीछे से, हमेशा यार गन रिलोड रखा करो अपनी, ठीक है? अगर तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम मिले ना, 1 सेकंड का भी मिले, मतलब आधी सेकंड का भी मिले, तो यार गन रिलोड कर लो जल्दी से। तो यहाँ पे भाई फ्लेयर गन आ चुकी थी, फिर से तबाही चल रही थी, तो भाई फिर से आ जाता भाई किल की तलाश में, तो भाई निपटाते हैं इन बंदों को। दोनों मर गए।
तो एक बंदे को यहाँ पे मैंने स्पोर्ट कर रखा था, लेकिन दूसरा भी होता है यहाँ पे, तो फोकट के दो किल्स मिले यहाँ पे। और पीछे की तरफ भाई स्मोक हो रखा था, इसका मतलब बंदे हैं, तो भाई उन्हें भी निपटाना पड़ेगा जल्दी से। तो थोड़ी फ्री फायर दूंगा स्मोक में, क्या पता किसी को लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे एक बंदा मैंने नोक कर दिया और शानदार ने उसे लो कर रखा था, जो वो स्टावर में बंदा भाग गया। तो यहाँ पे मेरा मूड था कि उसे मारूं नेड़ से, लेकिन शानदार ने बोला भाई नीचे ये बंदा, तो मैंने सोचा जल्दी से उस पर क्लोज इन कर देते हैं, लेकिन वो बंदा ऊपर चला गया था भाई। तो मैं सोचा था फुल्स नेड़ करूं, लेकिन इतने मैं नेड़ खींचता हूं, उससे पहले ही कूद जाता है, तो शानदार निपटा देता है उसे। तो यहाँ तो गाइस अब ग्रोजा 6x का थोड़ा कमाल का स्प्रे देखना, मतलब मैं खुद हैरान हो गया भाई, ये ग्रोजा 6x ही है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई यूएमपी वगैरह पे 6x चल रहा है। वैसे यार किसी को नई वाली यूएमपी बेकार लगी है भाई, नीचे कमेंट में बता देना। और भाई AWM का शॉट कैसा था ये नीचे कमेंट में बताओ जल्दी से। और हाँ गाइस यार हैप्पी दिवाली आपको सबको एडवांस में यार, क्योंकि कल तो वीडियो मैं शाम को ही डालूंगा फिर, लेकिन दिवाली भैया पहले हो जाएगी शुरू। तो यहाँ पे चल रही थी भाई तबाही वाली फायरिंग, तो भाई हमें भी जाना पड़ेगा। मुझे लगा यहाँ पे मतलब स्क्वाड लड़ रही होंगी दो तीन स्क्वाड, क्योंकि बहुत तगड़ी फायरिंग हो रही थी भाई, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ उल्टा ही लगा। मतलब मुझे लगा कि ये दो बंदे आपस में मिला ऐसे गोलियां चला रहे थे हवा में ही, कि जिससे कोई बंदा सुन गया है, क्योंकि यहाँ पे 9 अलाइव थे और जब हम इनके पास आए तो फिर 7 ही अलाइव थे, इन बंदों ने किसी को नहीं मारा, तो फिर गोलियां किस पे चला रहे थे भाई मेरे को बताओ थोड़ा। तो वैसे बंदे ढूंढ रहे भाई चारों तरफ, जहाँ भी घर है वहाँ जा जाकर ढूंढ रहे, जब तक हमारे पास पेट्रोल है। तो ये बंदा मेरे को दिख जाता जो कि भाग के जल्दी से प्रोन हो जाता है, तो इसलिए हमने स्पोर्ट कर लिया था इसे, तो इसको भी निपटा देते हैं और फिर चलते आगे की तरफ। हाँ भाई गैस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और ये बंदा भी स्पोर्ट होता है, जो कि फिर से लेट जाता है, मतलब खड़ा था आराम से लेट जाता है। तो गाइस ऐसे मत करा करो, मतलब अगर तुम्हारे पास कोई गाड़ी रश कर रही है और तुम्हारे पास अच्छा खासा पेड़ का कवर है, तो उस पर तुम स्टैंड होकर मार सकते हो उस बंदे को, या फिर क्राउच करके, ठीक है। लेटने का मतलब नहीं बनता, लेट होगा तो भाई वो कुचल देंगे या फिर ऑब्वियसली बात है मार देगा, मतलब दूसरा वाला बंदा जो गाड़ी नहीं चला रहा होगा। तो गाइस इस बंदे को देख रहे हो भाई, इतना हरामी बंदा है, मतलब जोन के बाहर ही लेटा हुआ था। तो यहाँ पे इसको मैं मार देता हूँ, शानदार को नहीं तो खा जाता। और अब लास्ट वाले बंदे को भाई बहुत तकड़ा और मक्खन वाला हेडशॉट लगेगा, तो भाई उसे भी देखो। तो गाइस हैप्पी दिवाली अगेन फिर से। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो जो नए बंदे हो मैम, तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ गाइस चलो आपको चेकआउट कर लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।